आज हम डिस्कस करेंगे SEO के अंदर यूनिट 5 में गूगल एनालिटिक्स। ये भी एक फ्री सर्विस टूल है। गूगल एनालिटिक्स गूगल का ही एक टूल है। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, जैसे वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, इसमें एक ट्रैफिक की क्या कंडीशन है, मतलब ये टूल आप क्या कर सकते हो, सीधा आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि कितने लाइव विजिटर है जो इस चीज़ की सूचना को ढूंढ रहे, तो आपको पता लगा सकते हो कि आपकी कैसी इन्फॉर्मेशन, यूजर लिखता क्या है, यूजर टाइप क्या करता है, जिसको वो ढूंढना चाहता है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम टूल है, जिसे आप किसी भी डिटेल को, कोई टॉपिक आपको पता नहीं है कि मुझे ऐसा क्या लिखूं जिसे यूजर उसको ज़्यादा ढूंढ सकते हैं, तो आप यहाँ से उस शब्द को पकड़ सकते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें होती है व्हाट, हु, व्हाई, इस तरह के क्वेश्चन के रूप में ज़्यादा पूछी जाती है, और ये गूगल एनालिटिक्स जो है वो हमें इस काम को करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। विजिटर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वेबसाइट में ट्रैफिक को कहाँ से आ रहा है, कौन विजिटर यूज कर रहा है, कौन सी कंट्री लोकेशन पे क्या ज़्यादा सर्च हो रहा है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें वो एकदम एक्यूरेट आपको बताता है। बस आपको खोल के देखने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा एनालिटिकल टूल है, जिसे आपको सारी जानकारी मिल जाती है। इंस्टॉलिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। 14 नवंबर 2006 में इसकी खोज हुई थी। 2005 में गूगल एनालिटिक्स प्रोडक्ट नहीं आया था। ये आर्चन सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने इसको ऑन डिमांड विकसित शुरू किया था ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको गूगल में एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जीमेल अकाउंट आप बनाएंगे। सेटअप करने के लिए सबसे गूगल अकाउंट बनाया, गूगल अकाउंट है जिसके पास है वो पर्सनल काम के लिए उसे यूज करते हैं, मैं बिज़नेस के लिए भी अलग से अकाउंट बना लेना चाहिए। बिज़नेस अकाउंट दो तरह के अकाउंट बनते हैं जीमेल में, बिज़नेस अकाउंट भी बनता है, पर्सनल अकाउंट भी बनता है। गूगल एनालिटिक्स में साइनअप करें, आप साइनअप करने के बाद में क्रिएट करें, ब्राउज़र पे सर्च करें, ओपन करें उसका, और ओपन जैसे ही आप करेंगे उसके बाद डिटेल्स पूछेगा सेटअप के लिए। तो हम एक पेज को ओपन करेंगे जिसे हमारी डिटेल भरनी होती है, जैसे वेबसाइट, मोबाइल नंबर, ये मेन जानकारी है जो गूगल एनालिटिक्स को जरूरत पड़ती है। बिज़नेस का नाम हो गया, वेबसाइट का नाम हो गया, यूआरएल का नाम हो गया, सारी जानकारी आप डाल दें भी, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, मोबाइल का नाम क्या है, बिज़नेस आपका किससे संबंधित है, वो चीज़ आप उसमें डाल दें। कुछ नहीं, जीमेल अकाउंट बनाने के बाद में आपको बस ये गूगल एनालिटिक्स खोलना है, और सेटअप टर्म्स होती है एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मतलब नॉर्मली जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो पूछ लेता है ये एक्सेप्ट आपको करना ही होगा, तभी वो सॉफ्टवेयर आपको आगे बढ़ने देगा। गूगल एनालिटिक्स कोड अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करें, अकाउंट के अंदर सभी इंफॉर्मेशन देने के बाद वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए कोड इंस्टॉल करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके साइट पर जो ट्रैफिक है उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। गूगल सर्च का कंसोल लिंक आता है, उसे एक एक चीज़ आपको शो होती है, जस्ट आपको बस सर्च करके देखना है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे ना गूगल पे, उसके बाद आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे ही समझ में आ जाएगी कि ये कैसे काम कर रहा है। अपनी साइट की कोडिंग आप इसमें डालें, स्पेशल कोड लिख कर देखें, वेबसाइट के ट्रैफिक को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे यूट्यूब के जो डिटेल है वो मैं डाल के देखता हूँ इसमें, कि कौन से जो यूज़र है वो क्या चीज़ें ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, किस में उनका इंटरेस्ट है, कौन सा वर्ड वो लिखते हैं सर्च करते वक्त, तो आपके डिजिटल मार्केटिंग में उसमें कामयाबी मिल सकती है। बेनिफिट्स क्या होता है, विजिटर की क्वांटिटी गूगल की इन्फॉर्मेशन में नहीं बताता किस यूज़र ने क्या विजिट किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन दे सकता है कितने यूज़र ने विजिट किया, ये भी आपको पता लग सकता है। व्यू, जैसे अपने कहते हैं ना यूट्यूब पे व्यू आ रहे हैं, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इतने लोग व्यू कर रहे हैं। वेयर डिड यू कम फ्रॉम विजिटर, यह टूल इन्फॉर्मेशन देता है कि यूज़र ने साइट को कहाँ से विजिट किया है, लाइक जैसे मोबाइल ऐप, ये भी बता देगा कि कंप्यूटर से किया है, मोबाइल से किया है, ये भी जानकारी उसके अंदर देता है, और ये भी बताता है कि कौन से लोकेशन के लोग ज़्यादा आपके टॉपिक को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो ये भी हमें जानकारी उससे मिल जाती है, कौन सा पेज जो है, आप जैसे मान लो आपका वेबसाइट है, तो
तो कौन सा पेज ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, उसमें ट्रैफिक का उपयोग हो रहा है। विजिटर स्पेंट ऑन योर टाइम, ये भी पता लगता है कि कितने टाइम उसने आपकी वेबसाइट पे लगाए हैं, वो भी जानकारी आपको उसके अंदर मिल सकती है। साइट का एक कांस्टेंट यूज़र के लिए इंटरेस्टिंग तथा प्रॉफिटेबल होता है। सोर्स अट्रैक्ट्स मोर विजिटर्स, जितने अच्छे सोर्स आप उसमें रखेंगे, सोशल मीडिया साइट्स है, उससे पब्लिसिटी ज़रूर करें। मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इस पर शेयरिंग ज़रूर करें आप अपनी वेबसाइट के, अपने यूट्यूब चैनल की, क्योंकि उसके बाद में ही आपकी शेयरिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। प्लेस नीड्स इम्प्रूवमेंट, यदि हमें गूगल एनालिटिक्स अच्छा बनाने के लिए गाइडलाइन का भी यूज करना चाहिए। जितनी अच्छी गाइडलाइन आप यूज करेंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए है, गाइडलाइन ज़रूर बनाएं। ग्रोथ ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट ड्यू टू बेटर डिजिटल मार्केटिंग, यह हमें सभी टूल्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि सोर्स के ट्रैफिक अधिक आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप, ये उसके बेनिफिट है। तो आपकी मर्जी है कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो गूगल एनालिटिक है वो SEO में कैसे वर्क कर रहा है, आप शुरू से ही देख रहे हैं कि ये कुल मिला के आपकी जो वेबसाइट है उसके उपयोगिता को बढ़ा रहा है। उसके अंदर कीवर्ड आपको बता रहा है, आपका मैटर के बारे में आपको बता रहा है, तो इसका मतलब हेल्प तो आपको करेगा ही। वही सेम चीज़ आपको सबसे पहले जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, वही सेम ही मैटर है, और साइनअप करना पड़ेगा। साइनअप के बाद अकाउंट नेम बॉक्स में नेम, बिजनेस का नाम, जो अभी आपने मैटर समझा था 2 मिनट पहले, वो सेम ही मैटर है, सेम ही टॉपिक है और सेम ही तरीका है। गूगल एनालिटिक्स ब्लॉग्स एंड वेबसाइट, हम ब्लॉग वेबसाइट के अपीयरेंस पर ये ऑप्शन रख सकते हैं। थीम एडिटर पर भी क्लिक करेंगे, कोई अलग तरह की थीम लेना चाहे तो थीम भी ले सकता है। हम लेफ़्ट साइड हेडर, हेडर पे भी मैंने कई बार बताया था, जैसे शुरू में आपको हेडर के बारे में बताया था कि हेडिंग का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, हेडर पार्ट का भी, उस पर भी ज़रूर ध्यान रखें। और जावास्क्रिप्ट की कॉपी ज़रूर करके रख लें गूगल एनालिटिक्स पे, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन ज़्यादा सर्च हो रही है। तो वेबसाइट के हेडर में पेस्ट करें, उसे सेव कर दें, मतलब वहाँ से मैटर लिया आपने गूगल एनालिटिक्स में, आपको पता लग गया कि ये ऐसे कीवर्ड है जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट का जो हेडर पार्ट है वहाँ पेस्ट कर देना। तो पेस्ट कर देंगे तो आपको पता ही है कि भाई आपकी ये जो जगह है ये ज़्यादा सर्च की जाती है, ज़्यादा उपयोग ली जाती है, तो अपने आप उसकी प्रायोरिटी अपने आप बढ़ जाएगी। गूगल ब्लॉग्स प्लगइन जरूर इंस्टॉल कर ले, इनके प्लगइन भी आते हैं। प्लगइन क्या होते हैं, प्लगइन होते हैं जैसे मान लो आपने कोई वेबसाइट खोली तो वेबसाइट के पास में कोई एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं, जैसे ये अपने सो रहे यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लगइन्स है, ये नेट पे एक्सटेंशन नाम से या प्लगइन नाम से मिल जाते हैं, जिससे आपको ब्राउज़र के साथ ही उसका सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो प्लगइन आपको जस्ट सर्च ही करना पड़ेगा और अपने आप काम करेगा। प्लगइन को इंस्टॉल किया, एक्टिव कर दो, इंस्टॉल करना है डैशबोर्ड और गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कर दो। मतलब जैसे ये मैंने प्लगइन डाल रखे गूगल मीट के, वैसे ही आप प्लगइन डाल सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर होते हैं छोटे स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जो सीधा ब्राउज़र के साथ भी यूज़ में आते हैं, ऑथराइज प्लगइन ही यूज़ करें। कई क्या होते हैं हैकर्स वाले प्लगइन होते हैं और जिसके कारण हमारा डेटा हैक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, तो ऐसे अनजान प्लगइन का यूज ना लें, समझ रहे बात को। तो इसी तरह से ट्रैकिंग आईडी है, एंटर करके सेव करें। और SEO की रिपोर्टिंग आप बनाना चाहें तो उसे गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स ही समझाना होता है उसमें, क्योंकि मैंने आपको शुरू से आप देख रहे हैं कि अगर रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, SEO की रिपोर्ट तैयार करनी है, तो गूगल एनालिटिक्स आपको सारी सूचनाएँ देता है। लेकिन अगर आप एडवांस रिपोर्टिंग भी लेना चाहें, वैसे तो गूगल एनालिटिक्स जब आप खोलेंगे सॉफ्टवेयर तो उसमें एडवांस रिपोर्टिंग नाम से भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसमें आप ज़्यादा अच्छी ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग ले सकते हैं। उसमें क्या क्या दे सकते हैं, देखो मेजरिंग ले सकते हैं आप, मेजरिंग मतलब किसी वेबसाइट की गोल के अनुसार वेबसाइट को मेजर कर सकते हैं, भाई आपका क्या टारगेट था और कितना गोल आपने प्राप्त कर लिया।
कन्वर्जन रेट आप पता कर सकते हैं, जैसे ईमेल साइन अप आपने करे तो मतलब कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, कितने साइन अप बना रहे हैं, कितने हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, और देखने के बाद कितने लोग परचेज कर रहे हैं, बस जस्ट देखा और चले गए। जैसे मॉल के अंदर नहीं होता क्या भाई, सामान को देखते रहते हैं लेकिन उसको परचेज नहीं करते, उस तरह से भी होते हैं। तो वो भी कन्वर्जन रेट हमें पता लग जाती है, कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। टाइम ऑन पेजेस, हम पेज का उपयोग लेने में कितना समय लगा रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और पेजेस पर विजिट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ विजिटर काउंट किए जाते हैं, कि कितने विजिटर आपके इसके अंदर है। बाउंस रेट भी शामिल होगी इसमें, उन विजिटर को शामिल करेंगे जो वेबसाइट को पूरा विजिट कर रहे हैं। स्क्रॉल की डेप्थ भी आपको देखनी पड़ेगी, मतलब कुल मिला के रिपोर्टिंग में आप क्या देख रहे हैं कि कितने जो आपके यूज़र हैं वो हमारे गोल को पूरा कर रहे हैं, कितने लोग साइनअप के बाद परचेजिंग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारी वेबसाइट पे लगा रहे हैं, पेजेस पर विजिट कितना काम उस पे कर रहे हैं। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोगों ने विजिट किया है, उनकी बाउंस रेट क्या है, मतलब ऐसे विजिटर जो अच्छे उपयोगी हमारे लिए है। स्क्रॉल कितने लोग करें, मतलब वेबसाइट खोल ली लेकिन उसके बाद स्क्रॉल नहीं किया, ये भी ये बता देता है कि देखो, इसीलिए इसको एडवांस रिपोर्टिंग कहते हैं। भाई ऊपर से मैटर देखा फिर वेबसाइट बंद कर दी, वो भी उसमें चीज़ दिखाई देगी। SEO की रैंकिंग है वो भी उसमें दिखाई देती है। ये अगर आप रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, तो ये रिपोर्ट अगर आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली जाती है आपकी वेबसाइट की, जैसे आपकी वेबसाइट की ऑटोमेटिकली सबके पास सूचना जाएगी तो लोगों को पता लगता है कि हाँ, ये वेबसाइट स्क्रॉल भी ज़्यादा हो रही है, इसका सर्च ट्रैफिक भी ज़्यादा है, इसमें पेजेस पर विजिट भी ज़्यादा हो रहे हैं, लोग ज़्यादा टाइम भी इस पे लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और जैसी देखी जाती है लोग ऐड देते हैं, ऐड देते ही कमाई आनी शुरू हो जाती है आपकी वेबसाइट पे। तो अब नॉर्मल वेबसाइट जो आप बनाएंगे तो उसमें ये एडवांस रिपोर्टिंग का ज़रूर ध्यान रखें, उसकी परफॉर्मेंस आपकी उसमें शामिल रहेगी, कितने लोग आपके क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग आपके पेजेस को सर्च कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और कीवर्ड रैंकिंग का तो क्या कहना, जो मैं शुरू से ही आपके जितने भी वीडियो देखेंगे उसमें मैंने हज़ारों बार आपको कहा, कीवर्ड की रैंकिंग, बैक लिंक, वो एक ही जैसे पॉइंट है, इंडेक्सिंग बना के रखे। सभी वीडियोज़ आपको देखने पड़ेंगे तब आपको पता लगेगा पेज का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या फ़र्क पड़ता है, वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोल क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। एक जैसा ही मैटर है, जो बेसिक बात अगर आपको समझ में आ गई कि लिंक का फ़र्क पड़ता है, इंडेक्सिंग हमें बनानी चाहिए, टाइटल पे ध्यान रखना चाहिए, स्पीड पे ध्यान रखना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मैटर भी आपका अच्छा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिपोर्ट सबमिशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे।